हिमालय की तरह मजबूत इरादे वाले लवराज सिंह धर्मशक्तु आसमान के तारे न सही पर 6 बार एवरेस्ट को जरूर छू चुके हैं। वैसे तो एवरेस्ट पर 6 बार चढ़ने वाले वे पहले और एकमात्र भारतीय हैं, लेकिन इसके बावजूद एक बार फिर से वे एवरेस्ट फतह की तैयारी में जुटे हैं। उत्तराखंड में कुमाऊं के एक गाँव में जन्मे और हिमालय की गोद में ही पले बड़े लवराज सिंह एक सामान्य परिवार से आते हैं और उनकी असामान्य उपस्थिति के लिए उन्हें पद्मश्री समेत कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। पर्वतारोहण का शौक पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। एवरेस्ट तो फिर बहुत दूर की बात है। अगर आप कम ऊंचाई वाली चोटियों पर भी चढ़ाई करने को कहते हैं तो आपको कम से कम 3 से 4 लाख रुपए की जरूरत होती है, पर लवराज सिंह ने अपनी चोटी खुद तय की। उनके शौक और उत्साह को देखकर पर्वतारोहण के इंस्ट्रक्टरों के बीच उन्हें जगह मिल गई और आज वे इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन के आजीवन मानद सदस्य है। BSF में असिस्टेंट कमांडर के तौर पर काम करने वाले लवराज सिंह पर्वतारोहण भी सिखाते हैं और कई पर्वतारोही दलों का नेतृत्व कर चुके लवराज सिंह दुनिया भर की 51 चोटियों पर चढ़ चुके हैं। एवरेस्ट की 6 बार चढ़ाई उन्होंने अलग अलग रास्तों से की। हालांकि चीन की तरफ एक बहुत ही कठिन माने जाने वाले रास्ते से वे एवरेस्ट नहीं पहुंच पाए हैं, पर वे जहां तक पहुंचे हैं वहां तक कोई दूसरा दल नहीं पहुंच पाया है। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।